साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथराइज्ड डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मामला के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पंचोली। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और तमाम खबरों पर। कांग्रेस नेता चेतन यादव की बुलेट देवास गेट स्थित उनके होटल के बाहर से चोरी हो गई है। रविवार शाम चेतन यादव ने होटल अजय के बाहर अपनी बुलेट पार्क की हुई थी। यहां लगे क्लोज सर्किट कैमरा में चोरी की वारदात कैप्चर हुई है। इस वीडियो फुटेज के आधार पर देवास गेट पुलिस अब चोर की तलाश में जुटी है। देवास गेट के अंतर्गत एक होटल के बाहर एक बुलेट रखी गई थी और उस बुलेट को किसी अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 389 का एक अज्ञात चोरों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है, कुछ उसमें फुटेज और बाकी चीज़ें भी देखी जा रही हैं और शीघ्र इस पूरे घटनाक्रम की पतासाजी कर बुलेट बरामद की के प्रयास किए जा रहे हैं। सिंहस्थ क्षेत्र में बने मकानों को तोड़ने के सिंह प्रण के आगे भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधि कन्नी काटने लगे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है। रविवार को छुट्टी के दिन जब कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, सोमवार को भी कांग्रेस नेत्री नूरी खान की अगुवाई में सिंहस्थ क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर थालियां बजाई और प्रस्तावित कार्रवाई पर विरोध जताया। कल भी इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था और कुछ चर्चा के बिंदु भी इनके द्वारा रखे गए थे। माननीय एडीएम महोदय ने उस समय कल ज्ञापन लिया था और वो चर्चा के बिंदु उन पर उनको आश्वस्त किया था कि इस पर जो है वो कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे और इसी प्रकार का आज भी जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं और वही स्थिति है कि भाई जो भी बिंदु आप लोगों ने बताया हम उस पर जो है कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे और उस पर फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई फिलहाल भले ही तवे पर चढ़ाकर टेम्परेचर चेक करने के लिए रख दी गई है, लेकिन गुंडे बदमाशों के मकान तोड़ने जाने की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को पुलिस और नगर निगम के संयुक्त अमले ने नीलगंगा थाना क्षेत्र के शांति नगर में बदमाश कपिल धानक का मकान तोड़ दिया। कपिल के खिलाफ नीलगंगा थाने में हत्या का प्रयास, हफ्ता वसूली, मारपीट जैसे 12 अपराध दर्ज हैं। कपिल पर रासुका की कार्रवाई हो चुकी है, वह फिलहाल जेल में बंद है। एक दिन पहले ही उसके परिवार को नगर निगम से अवैध निर्माण का नोटिस मिला था। सोमवार को ही कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम संतोष टेगोर और एएसपी शहर अमरेंद्र सिंह के साथ बृहस्पति भवन में बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण को प्रश्रय देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, गरीबों को उनके मकानों से बेदखल नहीं करने और आगे से सिंहस्थ क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण नहीं हो यह सुनिश्चित करने की बात रखी। इस बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, जिलाध्यक्ष कमल पटेल, विधायक रामलाल मालवी, माया राजेश त्रिवेदी, मुकेश भाटी, चेतन यादव आदि नेता मौजूद थे। उसी समय 2016 के बीच में इनने जो नोटिस दिए 445 मकान के और जिस टाइप से उनको घर दखल अंदाज कर रहे हैं तो उस पर बात चर्चा की गई है और आश्वासन दिया है कि पहले उनको चिन्हित करें और उसको बताएं, उसके बाद में बताएं कि 2016 में बहुत सारे मकान हैं, इन्होंने जानबूझकर एक मकान पास वाला जो मकान है उसको चिन्हित किया और एक मकान छोड़ दिया, ये कौन सी बातें हुई।
खाराकुआ इलाके में एक दुकानदार को चाकू दिखाकर धमकाते हुए उससे हफ्ता वसूली करने वाले एक हिस्ट्री शीटर बदमाश का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। महाकाल थाना क्षेत्र के इस बदमाश के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। जिला बदर की अवधि खत्म हुई, बदमाश वापस लौटा और फिर से पुराने धंधे में जुट गया। अब इस बदमाश के खिलाफ रासुका की कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। हिस्ट्री शीटर बदमाश अकबर पिता अब्दुल हमीद खाराकुआ थाना क्षेत्र की एक दुकान पर जाकर रुपयों की मांग करने लगा था। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में चाकू लहराते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अकबर पर पहले से आधा दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। महाकाल के अंतर्गत एक आरोपी है जिसका नाम अकबर है और ये आरोपी को पहले जिला बदर किया गया था और अभी हाल में इसका जिला बदर अवधि पूर्ण हुई है और उसके बाद वो घर में आया हुआ था। उसके बाद उसने दो जगह वहाँ कहीं जा कर के अपराध किया है और किसी के पैसे भी उसने निकाले हैं। इस पूरे मामले में दो FIR दर्ज की गई हैं, एक थाना खाराकुआ पर और उसी प्रकार से एक थाना महाकाल में किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन दोनों मामलों में गिरफ्तारी की जा रही है। इसके अलावा इसमें और भी जो प्रिवेंटिव एक्शन हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है, वो भी इसमें की जा रही है। साथ में इसकी जो इलीगल प्रॉपर्टीज हैं उनकी भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। इंदौर गेट स्थित भारत ऑटो पार्ट्स में रविवार तड़के हुई आगजनी की घटना के पीछे नए बिजली मीटर को वजह बताया जा रहा है। ऑटो पार्ट्स के संचालक ऋषि असरानी की धर्मपत्नी सिमरन असरानी ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दुकान में लगे नए बिजली मीटर की वजह से ही आगजनी हुई है। यही नहीं, सिमरन असरानी का यह भी आरोप है कि आगजनी की सही वजह सामने नहीं आ सके, इसलिए जली हुई दुकान से चुपचाप मीटर निकाल भी लिया गया है। सोमवार को सिमरन असरानी कलेक्टर से मिलने बृहस्पति भवन पहुंची। यहाँ SDM संजीव साहू के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद वे कालिदास अकादमी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया से भी मिली। सांसद और उच्च शिक्षा मंत्री दोनों ने ही इस महिला की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आगजनी ने इस परिवार को कितना बड़ा झटका दिया है, यह आप खुद सिमरन असरानी की जुबानी ही सुनिए। जैसा कि आप सब लोगों को शायद मालूम ही होगा, इंदौर गेट पे हमारी प्रचलित शॉप है भारत स्कूटर, उसमें कल मीटर की वजह से कल देर रात बहुत भयंकर आग लगी है। मेरे पति 5-6 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, 3 दिन में संजीवनी में एडमिट थे, डेंगू था उनको, उनकी प्लेटलेट्स 14,000 हो गई थी, 3.5 लाख से 14,000 हो गई थी। डॉक्टर ने उनको इंदौर रेफर कर दिया, मैं उनके साथ इंदौर गई, वो इंदौर चौथरा में एडमिट रहे 2 दिन। वहाँ पे मुझे सुबह कॉल आया 3 बजे कि हमारी शॉप में आग लग गई है। मैं खुद को संभालती कि मेरे हस्बैंड को मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करी कि इनको डिस्चार्ज दिया जाए, मैं अपनी रिस्क पे उनको यहाँ लेके आई हूँ। मुझे परिवार के एक एक मेम्बर ने बोला कि आप उनको वहाँ मत ले जाओ, मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, मेरे ससुर 11 साल से बीमार है, वॉकर पे चलते हैं, मम्मी को अधरंग हो गया है, इनकी भी तबीयत बहुत खराब है, दुकान की हालत देख के इनकी तबीयत और खराब हो गई है। मीटर हमारे यहाँ 10 दिन पहले नया मीटर लगाया गया, उनसे विनती की गई कि हमारे मीटर में कोई डिफॉल्ट नहीं है, मत चेंज करो। बोले नहीं, आप अगर नहीं करवाओगे तो हम टीम लेके आएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप करके जाओ, लेकिन अच्छे से कनेक्शन करना। वो लोग गए, हम नहीं थे यहाँ, पीछे से आगजनी हो गई। कल पुलिस वगैरह आई, इन्होंने रिपोर्ट लिखाई, वहाँ पे हमको हिदायत दी गई कि 24 घंटे तक आप में से कोई भी वहाँ पे नहीं जाएगा। हम घर चले गए, हमारी हालत वैसे भी ऐसी नहीं थी कि हम कुछ देख पाते, हम सब घर चले गए। 2-3 घंटे बाद शॉप का लड़का हमको कॉल करता है कि भैया वो लोग मीटर निकाल के ले गए। अगर हमें जाने की अनुमति नहीं थी तो वो मीटर निकाल के क्यों ले गए, वो सबूत क्यों ले गए अपने साथ। फिर हमने पुलिस में फ़ोन भी किया कि भैया हम कंप्लेंट लिखवा के गए, आपने हमको आने से मना किया, फिर ये लोग मीटर क्यों निकाल के ले गए। वो बोले हमको तो है हक, हम निकाल के ले जाएंगे। धार्मिक नगरी उज्जैन में देश विदेश के श्रद्धालु दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अब लगभग खत्म हो गया है, सब कुछ दोबारा खुल चुका है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की उज्जैन दर्शन बस अब भी बंद है। मंदिर की उज्जैन दर्शन बस लगभग 2 साल से बंद पड़ी है।
मंदिर प्रबंध समिति अब 100% क्षमता के साथ मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश दे रही है। बस संचालित करने के लिए मंदिर समिति से कुछ कर्मचारी भी निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन वे बस बंद होने से दूसरी जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में मंदिर की बस और चलित चिकित्सालय महाकाल अनुक्षेत्र में खड़े हुए हैं। बस और चलित चिकित्सालय बंद होने से महाकालेश्वर मंदिर समिति को न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि इन वाहनों में बड़ा मेंटेनेंस का काम भी निकल आया है। नई सड़क एटलस चौराहे के प्रतिष्ठित संस्थान जी मार्ट साइकिल पैराडाइज की स्थापना का 2 अक्टूबर रविवार को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस 1 वर्ष की अवधि में शहर के नागरिकों का इस संस्थान को भरपूर सहयोग मिला। 1 साल की अवधि पूर्ण होने पर जी मार्ट साइकिल पैराडाइज पर CSP पल्लवी शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में लक्की ड्रॉ का आयोजन किया गया। 1100 ग्राहकों के टोकन नंबर की पर्चियों को ड्रॉ में शामिल किया गया था। 465 नंबर टोकन प्राप्त करने वाली ग्राहक हिना खान लक्की ड्रॉ की विजेता रही। उन्हें फ़ोन कर जी मार्ट पर आमंत्रित किया गया और 32 इंच का LED टेलीविज़न भेंट किया गया। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज के डायरेक्टर गुलरीस खान और जावेद खान ने बताया कि जी मार्ट अपने ग्राहकों के लिए दीपावली पर्व के अवसर पर भी लक्की ड्रॉ ऑफर लेकर आ रहा है। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय श्री महाकाल।